अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये पार्ट आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत आत्माओं को आफ्टर लाइफ में ले जाने वाले तीन एंजल से होती है, जो सभी आफ्टर लाइफ के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो तीनों किम नाम के सोल्जर की आत्मा, जिसकी पृथ्वी पर अनजाने में उसके दोस्त द्वारा मृत्यु हो गई थी, उसे मृत लोगों के राजा यमराव के पास ले जाना चाहते हैं। लेकिन आफ्टर लाइफ में ऐसी आत्माओं को नष्ट कर दिया जाता है, पर फिर भी ये तीनों उसे यमराव के पास ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी 49वीं पैरागॉन आत्मा है, जिसका मतलब ये है कि ये एक निर्दोष आत्मा है, और अगर ऐसी आत्मा आफ्टर लाइफ के 7 नर को पार कर ले तो उन्हें पुनर्जन्म मिलता है। और उन तीनों एंजल का यही काम है कि वो 49 आत्माओं को पुनर्जन्म दे, और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो उन्हें भी पुनर्जन्म मिलेगा, जिससे वो भी फिर से पृथ्वी पर अपना जीवन गुजार सकेंगे। अब तक उन्होंने 48 आत्माओं को पुनर्जन्म दिया है, बस किम ही आखिरी है, और ये सारी कहानी इसके पिछले पार्ट में दिखाई गई है। आप सारे एंजल्स आफ्टर लाइफ के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं कि तभी रेगिस्तान में यमरा का महल जमीन से बाहर निकलता है, जिसके सामने सारे एंजल्स झुक जाते हैं। उन एंजल्स का लीडर यमरा से कहता है कि किम को सार्क नर्क पार करने की अनुमति दी जाए, उसकी आत्मा को ऐसे ही नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि किम की मृत्यु अनजाने में नहीं बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है। लेकिन यमरा के वकील उससे कहते हैं कि ये साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, पर रिम के काफी कहने पर यमरा उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, और वो ये है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर हूर नाम के एक बुजुर्ग आदमी की आत्मा को यहाँ लाना होगा, क्योंकि उसके मरने का समय काफी पहले ही पूरा हो चुका है, और मैंने उसकी आत्मा को लाने कई एंजल्स को वहाँ भेज दिए, लेकिन सियोन नाम का एक देवता जो उसकी रक्षा करता है उसने उन सभी एंजल्स को मार दिया, इसलिए पहले तुम्हें सियोन से निपटना होगा, जो हूर के घर में रखे एक पॉट में रहता है, और इन सब के लिए मैं तुम्हें 49 दिन का समय देता हूँ। इन 49 दिन के अंदर अंदर तुम्हें हूर की आत्मा को यहाँ लाना होगा, क्योंकि किम के पास भी नर्क पार करने के लिए 49 दिन का ही समय है, साथ ही उसे 2 ही नर्क को पार करने होंगे, जिसमें पहला मरने के बाद आफ्टर लाइफ में ना आने का अपराध, और दूसरा मरने के बाद अपनी आत्मा के जरिए लोगों को परेशान करने का अपराध है, क्योंकि बाकी के 5 नर्क के अपराध उसने किए ही नहीं। साथ ही तुम्हें ये भी साबित करना है कि किम की मृत्यु अनजाने में नहीं हुई थी, तभी उसे पुनर्जन्म दिया जाएगा। पर याद रहे कि अगर तुम इस काम में असफल हुए तो सजा के तौर पर मैं तुम तीनों की शक्तियां लेकर तुम्हारे पुनर्जन्म पाने की इच्छा को भी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, जिस पर तीनों एंजल मजबूरन मान जाते हैं। आबरीम किम को नर्क पार करवाने के लिए उसके साथ आफ्टर लाइफ में ही रुकता है, और बाकी एंजल हेयोली को हूर की आत्मा लाने भेज देता है। आप पृथ्वी पर आने के बाद वो दोनों हूर के घर आते हैं, जहाँ हे को वो पॉट भी मिल जाता है, पर तभी वहाँ सियोन आकर ली को पकड़ लेता है, इसलिए अब हे उसे लड़ने जाता है। लेकिन सियोन उन दोनों को चुटकियों में ही हरा कर उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक एंजल हुआ करता था, और वही यमरा ने तुम्हारी यादें मिटा दी है, इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, जो सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। सियोन रिवील करता है कि एंजल के बाद में एक देवता में बदलकर उस पॉट में रहने लगा, जिसके अंदर ही मेरी जान बसी है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए क्योंकि हूर का एक पॉट ही है, जिसका दुनिया में हूर के अलावा कोई नहीं है। अगर वो मर जाए तो वो बच्चा अकेले अपना जीवन कैसे गुजारेगा, इसलिए मैं हर पल उसका ख्याल रखता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि हूर का समय काफी पहले पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, बस मुझे 40 दिन का और समय दे दो। मैं उस बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके बाद फिर तुम हूर की आत्मा ले जाना। दूसरी तरफ रिम किम को एक जगह लेकर आता है, जहाँ उसे एक बैम्बू से बांधकर समुद्र में गिराया जाता है, और समुन्द्र में मौजूद इंसानी चेहरे वाली मछलियां आकर उसे काटने लगती है। तब वहाँ ली और ही आकर रिम को सियोन द्वारा कही हुई सारी बात बताते हैं, जिस पर रिम कहता है तो ठीक है, अब तुम दोनों तब तक वापस मत आना जब तक तुम हूर की आत्मा को वापस ना ले आओ, इसलिए वो दोनों फिर से पृथ्वी पर चले जाते हैं। अब पृथ्वी पर लौटने पर उन्हें हूर के घर पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो हूर के बेटे द्वारा काफी समय पहले जुए में हारे हुए पैसे की मांग करते हैं, पर सियोन इंसानों पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए वो उन्हें बस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक ना सुनकर उसे बाथरूम में धक्का मार देते हैं। तब उसके पास ही और ली आकर कहते हैं कि अगर तुम हमें हमारे बारे में सारी चीजें याद दिला दो तब हम हूर और उसके पोते को बचा लेंगे, जिस पर अब ना चाहते हुए भी सियोन मान जाता है, और फिर ही अपनी शक्तियों से आसानी से उन सारे लोगों को हरा देता है, जो देख कर डर के मारे सभी वहां से भाग जाते हैं। आप सियोन हे को उसके बारे में बताता है कि तुम अपने समय में काफी खतरनाक योद्धा हुआ करते थे, जिसकी ताकत देखकर दुनिया तुम्हें वाइल्ड कार्ड कहकर बुलाती थी, जो सुनकर हे एकदम खुश हो जाता है। जिसके बाद सियोन ली को उसके बारे में बताता है कि वो एक अनाथ लड़की थी, जो युद्ध के समय अपने गाँव में बच्चों को सभी से छिपा कर रखती थी, ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो।
वहीं दूसरी तरफ रिम किम को अपने बारे में बताता है कि मेरा हाल भी तुम्हारे ही तरह था। जहां मेरे पिता एक दयालु राजा थे, पर एक बार जब युद्ध के समय हमारी जीत हुई तब उन्हें एक अनाथ लड़का दिखाई दिया जिसका घोड़ा मर चुका था, और उसे रोते हुए देख उन्हें उस पर तरस आ गया, जिसे अपना कर वो उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे। पर यह चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता था। वहीं सियोन ही और ली को बता रहा होता है कि एक बार ली जब जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी एक शेर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन सही समय पर ही वहां आकर उसे बचा लिया। पर उस समय ली दुश्मन की तरफ से थी, इसलिए वो उसे बंदी बनाकर उसके ठिकाने तक चला गया। लेकिन जब उसने देखा कि ली छोटे बच्चों की रक्षा करती है, तो उसने ली को कुछ नहीं किया, बल्कि उसके साथ मिलकर उन बच्चों की देखभाल करने लगा, जो सुनकर ली और एकदम खुश हो जाते हैं। इधर किम और रिम दोनों एक जगह आते हैं, पर तभी अचानक से उनके पीछे काफी सारे डायनासोर पड़ जाते हैं, जिससे बचकर वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन तभी जमीन फाड़कर एक विशाल का एक मगरमच्छ बाहर निकलता है, जो उन दोनों को कच्चा निकल जाता है। तब उसके पेड़ के अंदर हम उन दोनों को देखते हैं, जहां रिम किम से सवाल करता है कि तुम्हें क्या लगता है, जब तुम्हारे दोस्त वोन और साजन पाक ने तुम्हें दफना दिया था तो उन्हें मालूम था कि तुम उस समय जीवित थे? जिस पर जिम कहता है कि मुझे विश्वास है कि वो दोनों इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि दोनों मेरे काफी अच्छे दोस्त थे जो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तब रिम फिर से उसे अपने बारे में बताता है कि एक बार युद्ध के समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, तब मुझे लगा था कि ये काम जरूर मेरे सौतेले भाई का है, इसलिए मैंने उसे सबसे खतरनाक जगह पर तैनात कर दिया। इधर सियोन भी ली और हे को आगे की कहानी बता रहा होता है, जान देखते कि हे ली से उसके माता पिता के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते कि उसे वाइल्ड कैट नाम के योद्धा ने मार दिया, जो हमेशा अपना चेहरा मफलर में छुपाए रखता है। पता नहीं उसे निर्दोष लोगों की जान लेकर क्या मिला, जो सुनकर हे को एकदम बुरा लगता है। वहीं पृथ्वी पर ली इस चीज को सुनकर ही से गुस्सा हो जाती है। तब सियोन उसे समझाता है कि ये चीज हजार साल पहले हुई थी। हे को भी इस बात का बहुत पछतावा था, इसलिए हर मुश्किल में तुम्हारी और बच्चों की रक्षा करता, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो तुम्हें सच्चाई बता दे, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर तुम उसे छोड़ दोगी, जो सुनकर फिर ली अपना गुस्सा खत्म कर देती है। दूसरी तरफ वो मगरमच्छ उन दोनों को किनारे फेंक देता है, जिसके बाद किम को अन्याय यानी कि इनजस्टिस के नर्क में जाता है, जहां युमरा के वकील अनजाने में देवता से कहते हैं कि किम की अनजाने में मृत्यु होने के बाद भी उसने आत्मा बनकर लोगों को परेशान किया, इसलिए उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए किम को सजा होनी चाहिए। जिस पर रिम देवता से बचाव में कहता है कि किम की मृत्यु अनजाने में नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर उसे मारा गया था, और इस बात को साबित करने के लिए मैं किम के दोस्त वॉन को यहाँ बुलाने की अनुमति चाहता हूँ, जिस पर देवता उसे अनुमति देते हैं। और तब पृथ्वी पर वॉन जो अभी कोमा में है, वो वहां से सीधे अन्याय के नरक में आ जाता है, जहां रिम उससे सवाल करता है कि सच सच बताओ कि जब तुमने और पाक ने किम को दफनाया था कि तुम उस समय जानते थे कि किम जीवित है, तब भी तुमने उसे क्यों दफना दिया? लेकिन वॉन बस इतना कहता है कि मैंने सिर्फ आदेश माना था, जो कहने के बाद अब उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद उसकी पृथ्वी पर ही मृत्यु हो जाती है, जो देखकर अब किम को एक कांच के डब्बे में डालकर उसमें पानी भर दिया जाता है। तब रिम देवता से कहता है कि इसका अपराध अब तक साबित नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे माफ करके हमें अगले नरक में जाने की अनुमति दे दे, जिस पर देवता मान जाते हैं और किम को आजाद करके अगले नरक में जाने की अनुमति दे दी जाती है। दूसरी तरफ सियोन और बाकी जब घर पर आते हैं तो उन्हें घर का सारा सामान बिखरा दिखाई देता है, क्योंकि उन गुंडों ने घर के अंदर तोड़फोड़ कर दी थी। तभी सियोन की हालत भी एकदम खराब होने लगती है, क्योंकि उसका पॉट भी अब टूट चुका था। इसलिए अब सियोन अपने आखिरी समय में हे और ली को उनकी आगे की कहानी सुनाता है। जान देखते है कि जनरल को इस बात की खबर हो जाती है कि हे ली की मदद कर रहा है, इसलिए वो उसे और उसके दोस्त को बंदी बनाकर ली के घर का पता पूछता है। तब डर के मारे हे का दोस्त उसे जगह बता देता है, पर तभी जनरल उन दोनों को ही बंदी बनाकर भीड़ों के सामने पेड़ से बांध देता है, जिसके बाद भेड़िए आकर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं, जिसमें हे का दोस्त तो वहीं मारा जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और अब घायल अवस्था में ली के पास आकर उससे कहता है कि तुरंत यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जनरल यहीं आ रहा है, इसलिए वो बच्चों को वहां से भेज देती है। लेकिन हे को अकेला छोड़ने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, तब ये उसे अपना मफलर देता है, जिससे वो हमेशा अपने चेहरे को छुपा कर रखता था। और अब उस मफलर को देख कर ली समझ जाता है कि उसके माता पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हे ही है, लेकिन तब भी वो उसे माफ करके उसके गले लग जाती है।
इधर अभी ऑन ये से इतना कहता है कि अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, और फिर इतना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है, जो देख कर दोनों दुखी हो जाते हैं। जीस के बाद अब ये सारी चीजें याद करने की कोशिश करता है, जीस से फिर उसे याद ही आ जाता है। जहाँ अब हम देख पाते हैं कि 1000 साल पहले जब हे ओली को वहाँ से भेज दिया था तब वहाँ जनरल आकर अपना हेलमेट निकालता है और वो कोई और नहीं बल्कि रीमी होता है, जो देख कर हैरान हो जाता है। रीम अब उसे कहता है कि मैंने कभी तुम्हें अपना भाई नहीं माना, मैं तो कब से अपने रास्ते से तुम्हें हटाना चाहता था, और आज हमारे दुश्मन का साथ देने के लिए मुझे तुम्हें मारने का मौका भी मिल गया है। जो इतना कहकर वो उस पर तलवार से हमला कर देता है, पर तभी पीछे से ली उसके अंदर चाकू घुसा देती है, जो देखकर ही उस पर भी तलवार से हमला कर देता है, और फिर इस तरह से तीनों की वहीं मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जब पार्क सो रहा होता है कि तभी उसे हत्या वाले नर्क में लाया जाता है, जहाँ यमरा भी मौजूद होता है, क्योंकि ये आखिरी नर्क है, और अगर यहाँ रिम ने ये साबित नहीं किया कि रिम की जानबूझकर हत्या हुई है तो उसकी सारी शक्तियाँ वापिस ले ली जाएगी। वहीं हे और ली भी मौजूद थे, जो ये सारी चीज देख रहे होते। तब रिम यमरा से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कि मेरे मरने के बाद आप मेरे पास आए थे और उस समय आपने मुझसे कहा था कि अगर मुझे अपनी गलती का पछतावा है तो आप मुझे एक मौका देंगे, और वो कि मुझे एक एंजल बनकर रहना होगा, साथ ही हे ओली की सारी यादें मिटा दी जाएंगी, पर मुझे हर एक बात याद रहेगी, ताकि जब तक मुझे पुनर्जन्म ना मिल जाए तब तक मैं उन चीजों को याद करके पछताता रहूंगा। जिस पर यमरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी सबसे बुरी याद है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बुरी याद वो है जब तुमने ही अपने पिता की हत्या की थी। तब रिम कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब मेरे पिता युद्ध में मारे गए थे तो मैं उन्हें देखने गया था, लेकिन वो जीवित थे, पर मेरे अंदर उस समय हे को लेकर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज्यादा ही को अपना बेटा माना, इसलिए मैं उन्हें वही मरता छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैं फिर से अपने पिता के पास आया, लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुके थे, और ये वही याद है जो मुझे 1000 साल से तड़पा रही है, और इसी का पछतावा मुझे हमेशा रहेगा, जो सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब्रिम पार्क से कहता है कि तुम्हारे पास अब भी एक मौका है, अगर तुम अपना अपराध मान लो तो हो सकता है कि तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने अपराध नहीं माना तो तुम्हें भी हमेशा मेरी तरह पछतावे की आग में जलना होगा। जो सुनकर पार्क एकदम भावुक हो जाता है, और तब फिर वो किम से रिवील करता है कि मुझे माफ कर देना, मैं जानता था कि उस समय तुम जीवित थे और मैंने ही वॉन को आदेश दिया था कि वो तुम्हें ना बचाए, क्योंकि अगले हफ्ते ही मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, और अगर सभी को इसके बारे में पता चलता तो मेरा प्रमोशन कैंसिल हो जाता, इसलिए मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने ही तुम्हारी हत्या की है। जो सुनकर किम को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वो एक अच्छे दोस्त के नाते उसे माफ कर देता है, जिसके बाद पृथ्वी पर पार्क की आंखें खुल जाती है, और अब वो पछतावे में तुरंत पुलिस को जाकर सारी बात बता देता है, जिससे फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। इधर आफ्टरलाइफ में अब ये साबित हो जाता है कि किम की उसके दोस्तों द्वारा हत्या हुई थी, इसलिए उसे पुनर्जन्म की अनुमति मिल जाती है, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रिम हे ओली के साथ हूर के घर जाता है, ताकि उसकी आत्मा को आफ्टरलाइफ ले जा सके, लेकिन रिम उसकी आत्मा को ना ले जाकर उन दोनों से कहता है कि हमारे पास एक और पैरागॉन आत्मा है जो कि वॉन की है, हम उसे पुनर्जन्म देकर अपना पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हूर को तब तक जीवित रहने दो जब तक उसका पोता खुद बड़ा ना हो जाए, साथ ही मैं तुमसे किसी चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। पर वो दोनों समझ जाते हैं कि रिम 1000 साल पहले उन दोनों की हत्या के लिए माफी मांग रहा है, जिस पर वो उसे कहते कि हमने पुरानी बातों को भुला दिया है, जो सुनकर रिम को बहुत राहत मिलती है। दूसरी तरफ रिम को पुनर्जन्म के गेट के पास देखते हैं, और तब उसके पास यमरा आकर उसे कहता है कि तुम्हारा पृथ्वी पर अब कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक एंजल बनने का ऑफर देता हूँ, जो सुनकर रिम खुशी से हामी भर देता है। अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रिम के पिता के मरने के बाद उनकी आत्मा लेने वहां यमरा आता है, जो उनसे कहता है कि मेरा समय पूरा हो चुका है और मैं अपनी जगह तुम्हें मरे हुए लोगों का राजा बनाना चाहता हूँ। जो सुनकर रिम के पिता कहते हैं कि मैं आपकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपका ही चेहरा चाहिए, जिस पे यमरा मान जाता है, यानी कि अब तक हमने जहाँ भी यमरा को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि रिम के ही पिता थे, और रिम को अपनी गलतियों को पछतावा दिलाने के लिए उन्होंने 1000 साल तक उसकी यादें नहीं मिटाई। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये ब्रिलियंट सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।